मैं जब विधायक और मंत्री रहा हूँ, अधिकारी ठीक रहे हैं। और ये आप लोगों ने भी देखा, ये हरियाणा की और गुड़गांव की जनता भी जानती है कि नरेंद्र सिंह जब एमएलए मिनिस्टर रहता है तो अधिकारी काबू में रहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बादशाहपुर विधानसभा में भाजपा का नरवीर सिंह जी 70, भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, और मुझे टिकट वोट देंगे, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। राम नरवीर सिंह के सामने अफसरों का जी निकल जाता है, क्यों निकलता है? सच्चा आदमी है, रिश्वत नहीं लेता, मंथली नहीं लेता। अगर जिस अफसर की तरफ ने देख लिया किसी ने काम नहीं करा तो उसको बदली कर देता है। जब आपके इलाके का विधायक ठीक नहीं होता, विधायक मजबूत नहीं होता, तो अफसरशाही हावी हो जाती है, अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं और जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कहना है गुरुग्राम से पूर्व विधायक रहे और हरियाणा कैबिनेट में मंत्री रह चुके राव नरवीर सिंह का। राव नरवीर सिंह का कहना है कि 2019 से 2024 के बीच में गुरुग्राम में सरकारी अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, लेकिन उनको काबू करने के लिए 2024 में वो चुनाव लड़ रहे हैं और 2024 का चुनाव जीतकर वो फिर से एक बार कैबिनेट मंत्री बनेंगे और गुरुग्राम के अधिकारियों को काबू करेंगे। आपको दिखाएंगे इस खबर में कि राव नरवीर कितने आश्वस्त हैं 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और क्या जीतने के बाद वो गुरुग्राम के लापरवाह अधिकारियों पर, मनमर्जी करने वाले अफसरशाहों पर लगाम लगा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में जहां देखो कचरा फैला हुआ मिलता है, सड़कों पर सड़कें कम बल्कि गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं, गलियों में पानी भरा रहता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, जनता परेशान है अधिकारियों के पास शिकायतें कर करके। थक चुके हैं लोग, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह आज गुरुग्राम के एक राजनेता ने बताई है। गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और कैबिनेट में हरियाणा सरकार के मंत्री रह चुके राव नरवीर सिंह ने आज खांडसा गांव में चुनाव से पहले ही एक जनसभा की और उस जनसभा में जनता को बताया कि जब आपका नेता मजबूत नहीं होता है तो उस दौरान आपके अफसर हावी हो जाते हैं और वो ठीक से काम नहीं करते हैं। शायद यही वजह है कि साल 2019 से 2024 के बीच में गुरुग्राम में ठीक से काम नहीं हुए, और जो काम साल 2014 से 2019 के बीच में गुरुग्राम में हुए हैं उन कामों के मुकाबले इन 5 सालों में गुरुग्राम में कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। दरअसल राव नरवीर सिंह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में काम किया जनता का, उसको देखते हुए इस बार बीजेपी उनको टिकट देगी और उसी टिकट पर वो बादशाहपुर विधानसभा से सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आएंगे पूरे हरियाणा में, और उसके बाद गुरुग्राम के अधिकारियों पर लगाम लगाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ बताया कि पिछले 5 सालों में गुरुग्राम जिले में कोई ऐसा विधायक नहीं रहा जो मजबूत रहा हो, जिसकी पकड़ हो अफसरों पर और अफसर जिसके दबाव में ठीक तरीके से जनता के काम करते हो। यही वजह है कि गुरुग्राम में पिछले 5 सालों में लोग प्राही मान रहे हैं। वहीं राव नरवीर ने साल 2019 में उनकी बीजेपी से कटी टिकट को लेकर भी एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि साल 2019 में बीजेपी ने एक नारा दिया कि अब की बार 75 पार, इसीलिए बीजेपी को लगा कि अगर किसी को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत कर आ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी ने 400 पार का नारा देश में दिया, लेकिन 400 तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई। राव नरवीर सिंह का कहना है कि बादशाहपुर सीट से अगर बीजेपी की सीट कोई जीत सकता है तो वो केवल राव नरवीर सिंह है, और राव नरवीर सिंह इस बार फिर से एमएलए बनेंगे, बीजेपी उनको टिकट देगी और वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2014 से साल 2019 के बीच में अपने कार्यकाल के दौरान जो जो काम इलाके में कराए हैं वो काम भी जनता को याद दिलाए हैं, और ये दावा किया है कि इस बार चुनाव जनता को उनके लिए लड़ना है, और जनता से ये अपील की है कि आप जब भी कहीं अगर जाते हैं तो 5 लोगों में कहिए कि इस बार राव नरवीर सिंह जीत कर आ रहे हैं और उन्हीं को हम अपना विधायक चुनेंगे। राव नरवीर सिंह ने साफ कहा कि उनके पिताजी इस सोहना विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, उनके चाचा विधायक रह चुके हैं, और खुद राव नरवीर सिंह भी साल 1996 में सोहना सीट से विधायक रहे हैं और साल 2014 में बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। इसीलिए राव नरवीर सिंह ने यह कहा है कि मेरा परिवार आप लोगों का देखा हुआ है, आपके द्वारा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको बेहतर पता है कि आपकी समस्याओं का समाधान कौन करा सकता है और आपके सबसे नजदीक कौन है।
राव नरवीर ने इतना तक कह दिया कि अगर आपको राव नरवीर के अलावा गुरुग्राम में कोई भी नेता अपने सबसे ज्यादा करीब लगता हो जो आपके काम करा सकता है आप उसको भले वोट दे दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि राव नरवीर के अलावा ऐसा कोई शख्स गुरुग्राम की राजनीति में नहीं है जो गुरुग्राम के काम करा सकता है तो फिर आप वोट राव नरवीर को ही दीजिए। साथियों, जिस गांव में मैं खड़ा हूं तकरीबन नौजवान है जिन्होंने मेरे पिताजी के दर्शन नहीं करेंगे, कुछ ही आदमी होंगे जिन्होंने देखा होगा। मेरे पिताजी यहां से सोना से एमएलए बड़े इंडिपेंडेंट, कांग्रेस से दो बार एमएलए बड़े मिनिस्टर रहे। मैं एक बात कहता हूं, नरवीर सिंह यहां से एमएलए बना दो बार, 96 में 14 में, और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई मेरी उम्र नहीं थी तो लोगों ने इंडिपेंडेंट मेरे चाचा विजयवीर को एमएलए बनाया। हम क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए मेरे से ज्यादा ये गांव और इलाका जानता है। मैं एक बात कहकर जाता हूं, मेरे से नजदीक आपको एमएलए नहीं मिलेगा, खूब सोचना। अभी चुनाव के 90-100 दिन है वोट पड़ने में, यदि आपके दिल से आवाज आए कि भाई नरवीर सिंह से नजदीक आदमी है, नरवीर सिंह से ज्यादा आपके इलाके की भलाई कर सकता है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं वोट उसको देना। आपके दिल से आवाज आए कि भाई नरवीर सिंह हमारा पड़ोसी है, सबसे सहजता से आपको उपलब्ध हो सकता है, आपके दुख सुख में भागीदार हो सकता है, आपके इलाके की बहबूदी कर सकता है, आपके इलाके की भलाई कर सकता है, आपके इलाके के गांव के काम कर सकता है, तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना आने वाले चुनाव में मेरा साथ देना। और साथ कोई अकेले वोट का नहीं कि भाई फला तारीख आएगी हम वोट डाल देंगे, ना भाई, ऐसी वोट नरवीर सिंह को नहीं चाहिए। मुझे तो आज से ही आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका सहयोग चाहिए, और फ्री का चाहिए, कोई पैसे ना लगेंगे। भाई जहां आप खड़े हो, जहां बैठो, जहां रिश्तेदारी में जाओ, दुकान पर जाओ, एक बात कहो कि भाई नरवीर सिंह को वोट देने वो बनेगा, तो भाई आपके की दिक्कत बोझ तो अगला मरेगा। और यही प्रचार प्रसार है, ये आवाज दिल्ली तक जाएगी यदि आप प्रचार करोगे तो, और इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। मैं कोई भाई होल्डिंग टाका है, कोई फोटो लगा लगा रहे ना, पैसे खर्च होते हैं। मैं तो बिना पैसे के कह रहा हूं कि मैं बिना पैसे का प्रचार करोगे, यदि आपने वोट देनी है तो प्रचार भी करो 10 आदमियों बैठ के कि मैं नरवीर सिंह को वोट देंगे, नरवीर सिंह बनेगा, यदि आपके दिल से आवाज आए। और यदि दिल से आवाज आए कोई ज्यादा भला कर सकता तो वोट उसको देना, मैं कह के जाता हूं। नहीं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से भी निर्देश है कि गांव गांव में जाकर आप प्रचार प्रसार करें, और लोगों से मिलने पर लोगों की निगाहें देखकर और लोगों का उत्साह देखकर लगता है कि लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, नरवीर सिंह को यहां से विधायक चुन के भेजेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। सर, 2019 से 2024 के बीच में गुरुग्राम का जितना बुरा हाल हुआ है शायद पहले कभी नहीं रहा, ना सड़कों पर सफाई है, ना गलियों में सफाई है, ना गलियां ठीक है, ना सड़कें ठीक है, हर जगह पानी भरा है, कचरा फैला है। क्या लगता है आपको कि आपकी गैर मौजूदगी में अफसरशाही ज़्यादा हावी हो गई है गुरुग्राम में? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो 2014 से 19 काम हुए उसकी तुलना में 2019 से 24 कम काम हुए, इसलिए लोग कहते हैं कि काम नहीं हुए। और प्रजातंत्र में जब तक राजनीतिक आदमी मजबूत नहीं होगा कहीं भी, तो वहाँ अफसरशाही हावी होगी, और इस बार गुड़गांव से क्योंकि वजीर कोई नहीं था तो इसलिए अफसरशाही थोड़ी सी ढीली पड़ गई, और वो अफसरशाही ने कोई काम नहीं किया, ये मैं कह सकता हूँ। और आने वाले समय में लोग समर्थन देंगे, सरकार बनेगी, और मेरा ये मानना है गुड़गांव विकास काम होगा। अधिकारियों पर लगाम लगाएंगे आप आएंगे जब? मैं जब विधायक और मंत्री रहा हूँ अधिकारी ठीक रहे, और ये आप लोगों ने भी देखा, ये हरियाणा की और गुड़गांव की जनता भी जानती कि नरवीर सिंह जब एमएलए मिनिस्टर रहता है तो अधिकारी काबू में रहते। मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार 75 पार का नारा था तो पार्टी को भी ऐसा लगा होगा हम जिसको टिकट दे देंगे वो बन जाएगा, अब के मुझे भी नहीं लगता, आम जनता को भी नहीं लगता, ना जनता मानेगी कि भाजपा 75 पार का नारा दे के और भाजपा सत्ता में आएगी, क्योंकि 400 नारा दिया आपके नहीं कर पाई लोकसभा में हम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बादशाहपुर विधानसभा में भाजपा का नरवीर सिंह ही जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, और मुझे टिकट वो देगी, मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। केवल गुरुग्राम ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी बतौर कैबिनेट मंत्री रहते हुए राव नरवीर सिंह ने बहुत से काम कराए हैं, और ये काम खुद राव नरवीर सिंह नहीं बल्कि गुरुग्राम की जनता भी अपने मुंह से गा रही है। दरअसल खानसा गांव में आज शनि मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में खानसा गांव के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, राव नरवीर को सुनने के लिए लोग वहां पर आए,
और वहां पर मौजूद लोगों ने साफ कहा कि केवल राव नरबीर सिंह है जिससे गुरुग्राम के अधिकारी कांपते हैं, क्योंकि राव नरबीर सिंह केवल एक ऐसे नेता है जिनका इस इलाके में दबदबा है और जिनका रौब ऐसा है कि वो चाहे तो कोई भी काम करा सकते हैं। अगर गुरुग्राम में विकास कराया जाएगा तो राव नरबीर के हाथों ही वो विकास होता है, क्योंकि राव नरबीर ऐसे कद्दावर नेता है जिनकी बात कोई अधिकारी नहीं टाल सकता है। राव नरबीर सिंह के सामने अफसरों का जी लिकड़ जाता है। क्यों लिकड़ता है? सच्चा आदमी है, रिश्वत नहीं लेता, मंथली नहीं लेता। अगर जिस अफसर के तरफ ने देख लिया किसी ने काम नहीं करा तो उसको बदली कर देता है। क्यों नहीं काम करा है? इतना पक्का आदमी है जिसका कोई मुकाबला नहीं, बुरा नहीं करता किसी का, लेकिन अफसर जब ठीक नहीं करेगा तो उसको एकदम बदल देता है। सब अफसर डरते हैं, सब डरते हैं मंत्री जी से, यूं ही डरते हैं कि ये सच्चा आदमी है, काम करवाने वाला आदमी है, काम करता है, और इसको बनाएंगे, ये बनेगा 100% बनेगा, 100% बनेगा। साल 2019 में राव नरबीर सिंह को टिकट ना देकर बीजेपी को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, क्योंकि 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार मनीष यादव की बादशाहपुर से हार हुई और निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद ने उनको शिकस्त देकर इस सीट को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस बार राव नरबीर पूरे कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी और उन्हीं पर भरोसा जताएगी, क्योंकि नरबीर सिंह का कहना है कि साल 2014 से 19 तक उन्होंने जो काम गुरुग्राम में कराए हैं ना वो कभी पहले हुए और ना ही उसके बाद कोई करा पाया है। लेकिन देखना होगा कि जब विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे और टिकटों का बंटवारा होगा तो क्या राव नरबीर सिंह को बीजेपी दोबारा से बादशाहपुर से चेहरा बनाती है या फिर इस बार भी टिकट कोई और मार जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।